बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल, आप देख रहे हैं स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ECM यानी कि ई कॉमर्स मैनेजमेंट के क्विज़ नंबर 3 का सलूशन। तो जैसे कि आपको मालूम है क्विज आ चुके हैं, तो ये भी मैं आपके सामने ही सोल्व करूँगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए, क्योंकि मैं इस तरह से असाइनमेंट और क्विज़ वगैरह का सोल्यूशन लाता रहता हूं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपके सामने क्विज़ को सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्विज़ है मैं सोल्व करने वाला हूँ, ये मैं ऐप से ही करने वाला हूँ, DigiSkill की LMS ऐप से। तो अगर अब तक आपने ये डाउनलोड नहीं की हुई तो ये डाउनलोड कर लें, अगर आपने डाउनलोड की हुई है तो आपने इसे अपडेट कर लेना है, क्योंकि ये नई ऐप में ये फीचर अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन क्विज सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली आपने अपने LMS में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आ जाना है टास्क के सेक्शन में, और यहाँ से आपने चला जाना है क्विज़ में, और यहाँ पर लिखा होगा क्विज़ नंबर 3। तो सिंपली आपने ओपन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि उसने कोर्स का नेम, टाइटल और उसके साथ ओपन डेट, लास्ट डेट, मार्क्स वगैरह सब कुछ बता दिए, और उसके साथ नीचे स्टेटस है कि अभी ओपन है। तो यहाँ से आप इजीली अपने क्विज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी असाइनमेंट वगैरह का सलूशन भी यहीं से सबमिट कर सकते हैं, ये क्योंकि उन्होंने नई अपडेट की है इस वजह से। तो चलिए हम अपनी स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। तो सिंपली हम स्टार्ट अपने स्टार्ट टेक क्विज़ के बटन पर क्लिक कर दें, तो मैं ऐसे ही क्लिक कर देता हूँ इस पर। तो इसके बाद यहाँ से आपके ने ये वाली इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, अगर पढ़ना चाहें तो, ना पढ़ना चाहें तो आपने सिंपली स्टार्ट क्विज़ पर क्लिक कर देना है। तो क्विज़ नंबर 1 आ चुका है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्टर सक्सेसफुल लोकल इंस्टॉलेशन ऑफ XAMPP वी कैन टाइप डैश इन ब्राउज़र URL टू वेरीफाई इंस्टॉलेशन, लोकल होस्ट डैशबोर्ड फॉरिजन डैशबोर्ड होस्ट डैशबोर्ड XAMPP डैशबोर्ड। तो सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ऑफ XAMPP, XAMPP की इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाए तो आपने क्या लिखना है, तो आपने सिंपली लिखना है लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये लिखेंगे तो आपका जो होगा XAMPP वो ओपन हो जाएगा, तो इसे आप करना है सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में प्राइमरी की ऑफ 2 टेबल्स एक्ट एज, मैनी टू मैनी में प्राइमरी क्या टेबल में क्या एक्ट करती है, फॉरिजन की एंड कंप्रेस्ड प्राइमरी की इन थर्ड टेबल, UK की एंड PK एंड UK की। तो इसका आएगा फर्स्ट वाला, फ्रिजन की एंड CPK इन थर्ड टेबल, ठीक है। इसे हम इसे करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, डैश एक्सप्रेस द मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटी अकोरेंस एसोसिएटेड विद 1 अकोरेंस ऑफ अ रिलेटेड एंटिटी, डैश एक्सप्रेस द मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम नंबर आ जाता है वो आ जाता है कार्डिनलिटी, जबकि आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शनैलिटी में मिनिमम आ जाता है, ठीक है, कार्डिनलिटी में मैक्सिमम आएगा। तो इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। अगला आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4, क्वालिटी और डाटा अबाउट एंटिटीज टू बी स्टोर्ड इज कॉल्ड रिलेशनशिप एट्रीब्यूट डायग्राम टेबल, क्वालिटी ऑफ डाटा अबाउट एंटिटीज टू बी स्टोर्ड इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में जो एंटिटीज का डाटा होता है वो एट्रीब्यूट में स्टोर होता है। तो इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। और अगला आ चुका है, द फॉरिजन की इज द फील्ड और एट्रीब्यूट और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स विच डैश रिलेट टू टेबल वी आई ए कॉमन फील्ड्स, लॉजिकली फिजिकली इलेगली इंटरचेंजेबली, तो ये करेंगे लॉजिकली कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, रिलेशनशिप्स आर डैश इन नेचर यूनिडायरेक्शनल बाईडायरेक्शनल यूनिक विजुअल, तो रिलेशनशिप यूनिडायरेक्शनल भी होते हैं और बाईडायरेक्शनल भी होते हैं, तो इसका आएगा बाईडायरेक्शनल में लगा दूंगा, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है तो मैं इसे लगाऊंगा एंड सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, XAMPP इज़ अ सॉफ्टवेयर बंडल सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्योंकि बंडल सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसमें वेब सर्वर भी है, डेटाबेस भी है, और ठीक है ये इसका आ जाएगा। तो इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर एट आ चुका है। अ टेबल इन अ डेटाबेस हैज़ डैश की टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड आर अ रो विद इन अ टेबल प्राइमरी की। अ टेबल इन अ डेटाबेस हैज़ प्राइमरी की टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड आर अ रो विद इन अ टेबल, ठीक है, तो इसका आएगा प्राइमरी की, तो इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नाइन आ चुका है। डैश इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड कैन एग्जिस्ट इन चाइल्ड टेबल पर पर्सन पेरेंट टेबल, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट कैन एग्जिस्ट इन चाइल्ड टेबल पर पेरेंट रिकॉर्ड, इसका आएगा ऑप्शनैलिटी, इसमें करें सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। एज अ रूल, क्वेश्चन नंबर टेन आ चुका है। एज अ रूल द डैश की ऑफ पेरेंट टेबल एक्ट एज फॉरिजन की इन चाइल्ड टेबल। एज अ रूल द प्राइमरी की ऑफ पेरेंट टेबल एक्ट एज अ फॉरिजन, ठीक है, इसका आएगा प्राइमरी की जो होगी ना वो फॉरिजन की के तौर पर यूज होगी चाइल्ड टेबल में, तो इसे हम करेंगे सेव एंड मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। तो फाइनली हमारे क्विज हो चुके कंप्लीट, मैं सिंपली ओके पर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस अटेम्प्टेड, यानी कि आपने अपने क्विज कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरह से आपने अपने क्विज को अटैम्प्ट करना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।